तो गाइस हम मिल चुके हैं सर से, जैसे कि कभी बारिश होता है जब रेन स्टेट सीजन पे, तो हमारा स्लोप जो हमारा हाईवे का है स्लोप जो कट जाएगा, इसमें जो कंक्रीट का माल भर के आता है वाह, तो ये जल ब्रिज की है। और भाई ये पूरी रोड पे टावर छिड़कती है। तो गाइस अभी ये काफी गर्म है, तो गर्माई निकल ली बहुत। राम राम भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं रोज की तरह एक फिर आ गया हूँ हाईवे पे, और गाइस आपको दूंगा एक बढ़िया सी अपडेट। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अपने गांव बोगी नगर पे, जो कि बेनाबर से 1 किलोमीटर दूर है और ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गाइस आज देखते हैं हम क्या वर्क यहाँ पे होगा, है ना? तो गाइस चलते हैं हाईवे की ओर, तो आपको देते हैं पूरी अपडेट। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस आज मेरे साथ हैं ये बच्चे, तो गाइस ये हमारे कजन लोग ही है ना। तो आज संडे है, आज फ्री था भाई, आज मुझे टाइम मिल गया प्रॉपर यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं हाईवे की ओर। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर, ए स्टार्ट, हम फंस गए, गाड़ी चला चला। गाइस आप सामने देख रहे हैं ये मिलर ट्रक है ना, तो हाईवे के जो पानी भर जाता है हाईवे में, तो उसकी नाली बन रही है साइड से, ताकि हाईवे का पानी नीचे पहुंच जाए। तो गाइस दिखाते हैं आपको पास से। और गाइस ये मिलर ट्रक है, इसमें जो कंक्रीट का माल भर के आता है, तो इसकी भी सफाई चल रही है। तो क्या नाचो भाई? तो गाइस आप देख सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर पक्की नाली बन रही है। तो गाइस हम मिल चुके हैं सर से, ये बताएंगे यहाँ पे एक्चुअली वर्क क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ सर बताइए। यहाँ पे एक्चुअल में ये हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का एक वर्क हो रहा है, जिससे कि कभी बारिश होता है जब रेन स्टेट में सीजन पे, तो हमारा स्लोप जो हमारा हाईवे का है स्लोप अगर कट जाएगा, तो हमारा ये जो हाईवे है इस ये शटल हो सकता है। इसके लिए हम रेन का ही बनाया जाए, रेन के लिए है इसका। जो हमारा रोड का जो भी पानी आएगा, हमारा ग्रेडिएंट का द्वारा जो भी पानी जाएगा वो इसके थ्रू आउट हो जाएगा, थ्रू आउट हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और वहाँ एक हमारी लाइन ड्रेन बनेगी, उससे हमारा पानी को हम बाहर डिस्पोज कर सकते हैं। ऐसा अंडर पास भी बने हुए हैं इसी के लिए, अंडर पास बने हुए हैं कहीं पे, जो मेजर ब्रिज है उसके लिए, उसमें तो आने जाने के लिए वो पब्लिक के लिए बना है। और जो छोटे बॉक्स कलवर्ट है, जैसे 2 मीटर हाइट 3 मीटर हाइट का है, वो हमारा ये वाटर डिस्पोज के लिए बनाया जाता है। पहले सर ये नहीं बना था, तो ये सब पानी से कट गई थी। हाँ पहले नहीं बना था, कोई स्लोप प्रोटेक्शन हमारा नहीं था, उसकी वजह से हमारा ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कटिंग कट गया, और हमको फिर से बनाना पड़ा, रेक्टिफाई करना पड़ा, पूरा रेक्टिफिकेशन किया, इसलिए अभी हम कंक्रीट करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा ये बारिश होगा, ग्रास लगाई जाएगी, तो ग्रास लग जाएगा तो उसके लिए और बच जाएगा, हमारा मिट्टी रुक जाएगा, उसमें बॉन्डिंग आ जाएगी। तो वहाँ भी एक मीडियम ड्रेन उसको बोलते हैं, वहाँ भी बनेगा डिवाइडर, तो अलग है हमारा डिवाइडर, ऐसे बनेगा मीडियम, वो बीच में डिवाइडर हो जाएगा इधर उधर, और बीच में एक ड्रेन रहेगा, वहाँ का भी जितना पानी भाई सर ने इतनी जानकारी दी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप सामने ये बोलेरो देख सकते हैं, तो भाई इसी से
ये सर आए हुए थे ना, इनसे मेरी अभी बातचीत हुई थी। वाह, तो ये उज्जल ब्रुक की है, कुछ ऐसी दिखती है भाई। एक बार सामने से ये लो, तो भाई ये यूपीडी तरफ से। और गाइस यहाँ पे कुछ सामान आया हुआ है, ये किट में यूज होता है। तो गाइस अगर यहाँ पे कोई होगा तो मैं पूरी जानकारी दूंगा, उनसे पूछ के बता दूंगा, है ना, ये किसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। गाइस आप सामने देख रहे हैं, तो ये देखो अभी वो सामने दूर देख रहे थे, वो कंक्रीट की पूरी नई बनाई जा रही थी स्लैब, है ना, और यहाँ पे पूरा मिट्टी है ना पूरी बढ़िया करके हटा दी गई है अभी, है ना, और इसे पूरा पक्का कंक्रीट का बना दिया जाएगा। और गाइस आगे रोड पड़ रही है तो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। गाइस आप सामने देख रहे हैं, तो ये है विटामिन स्प्रेयर, तो गाइस इसे बोलते हैं डामर छिड़कने वाली मशीन। अबे साले। तो गाइस आप देख लो गाइस, इसमें एक बड़ा सा एसर का इंजन लगा हुआ है, और भाई ये पूरी रोड पे टावर छिड़कती है। और गाइस साइड से मैं आपको दिखा दूं, तो देख लो भाई पूरी ब्लैक मशीन है, जे भाई कोलतार ही कोलतार चिपका हुआ है इस पे। तो आगे अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गाइस चलते हैं आगे अभी, है ना। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और गाइस हमारे साथ है उज्जवल ब्रो, एकदम गोरी गोरी शक्लें आ रही दोनों लोगों की। गजब। गाइस हाईवे के लेन से नीचे आ गए भाई, दोबारा इसके ऊपर चढ़ रहे हैं अब। चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए भाई, पैर गंदे हो गए साथ। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पेवर मशीन काम कर रही हैं, तो ये बड़ी वाली पेवर मशीनें हैं, और गंगा एक्सप्रेसवे का ये वर्क चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो GSB पढ़ के, यहाँ पे WM पढ़ के, अब यहाँ पे जो डामर वाला माल होता है वो पड़ रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ एकदम बढ़िया स्मूथ रोड। ये देख लो भाई पूरी एकदम चिकनी स्मूथ सड़क बना दी है। और ये डुअल ड्रम रोलर, ये दोनों इसके ऊपर चल रहे हैं अभी। तो गाइस अभी ये काफी गर्म है, तो गर्माई निकल ली बहुत। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, पूरे में छाया छाया हो रही है अभी, है ना, थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी। तो गाइस अभी यहाँ पे छाया है, और गाइस मैं आपको ये रोड दिखा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे का। और गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे डुअल ड्रम रोलर हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर इसकी रोलिंग कर रहे हैं। ये गरम गरम अभी माल पड़ा हुआ है कोलतार वाला, ये काली सड़क वाला पड़ा है जो माल। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं एक, तो गाइस ये एक रोलर आप देख सकते हैं भाई, चार टायर इसके आगे और चार टायर इसके पीछे हैं भाई, मोड़ रहे हैं ये पूरा।